हेलो हेलो। हाँ नमस्कार बच्चों, गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग सर। सुप्रभात है बेटे सबको। आवाज सुनाई दे रही है सबको बेटे? आवाज यस सर। हाँ, बोर्ड दिखाई दे रहा है सबको अच्छी तरह? यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। चलो जुड़ने दो बच्चों को, और को 2 मिनट चालू करते हैं पढ़ाई अभी। बेटे 7th क्लास, 7th क्लास। यस सर। हाँ वेरी गुड। कितनी क्लास हो चुकी है पहले अपनी? बड़े क्लासें कितनी हो चुकी है पहले? हाँ सर दो। दो हो चुकी है, वेरी गुड। माहेश्वर सूत्र प्रार्थना पत्र तक है ना? हाँ वेरी गुड वेरी गुड। आज हम 3rd क्लास ले रहे हैं, और 3rd क्लास में हमारा टॉपिक आज होगा संधि। सर आप उस दिन वाला प्रार्थना पत्र आखिरी वाला पूरा नहीं बताए थे अच्छा हमको। पूरा नहीं था क्या वो? चलो चलो यस फिर सर। देख लेते हैं, एक बार उसको देख लेते हैं पहले। हाँ जुड़ने दो बच्चों को, और को जुड़ने दो 2 मिनट। चलो चालू करते हैं अभी। चलो शुरू करते हैं हम, और जुड़ जाएंगे बच्चे जब भी थोड़ी देर धीरे। हमने 2 प्रार्थना पत्र पढ़ लिए थे हमने, एक तो अत्यावश्यक का और एक रुग्णता का। आज हम ट्रांसफर सर्टिफिकेट अर्थात स्थानांतर प्रमाण पत्र, टीसी जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपका शुरुआत का जो टाइटल था, सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय, सर आपकी क्लियर आवाज नहीं आ रही। ये तो आपको वैसे की वैसे लिखना है बेटे। वो तो क्या लिखना है आपको? वैसे की वैसे लिखना है। इसके बाद में हमें परिवर्तन कहां से करना है? विषय से। कहां से करेंगे? विषय से। क्या लिखोगे विषय में? विषय स्थानांतरण प्रमाण पत्रम प्रार्थना पत्रम, स्थानांतर प्रमाण पत्रम विषय प्रार्थना पत्रम, स्थानांतरण टीसी के विषय में प्रार्थना पत्र। फिर होगा आपके महोदय सविनय नम्र निवेदयामि यत् मम पितुः एकः राजकीय सेवक अस्ति। तस्य स्थानांतरण अजमेर नगरे संजातः।
तस्य स्थानांतरण अजमेर नगरे संजातः। अतः अहम अपि तत्र पठनार्थं गमिष्यामि। अतः अहम अपि तत्र पठनार्थं गमिष्यामि, इसलिए मैं भी वहां पे पढ़ने के लिए जाऊंगा। अतः कृपया मम विद्यालयस्य स्थानांतरण प्रमाणपत्रं दातुं अनुगृह्यामि। अर्थात मेरे को स्थानांतर प्रमाण पत्र दे करके अनुग्रहित करे। धन्यवाद। दिनांकम नामना कक्षा अनुक्रमांक लिख लो इसको एक बार। ये आपके स्थानांतर प्रमाण पत्र की प्रार्थना पत्र हो गया। आपके तीन मैंने आपको प्रार्थना पत्र लिखा दिए, अत्यावश्यक रुग्णता और स्थानांतर प्रमाण पत्र विषय। आपको तीनों को याद करना है और अपनी कॉपी के जो नोटबुक है आपको उसमें फेर करना है। आपको हाँ बेटे क्या बेटे क्या पूछा अभी आपने लिखना है। हाँ बेटे नोटबुक में लिखना है आपको, बिल्कुल नोटबुक में लिखना है। इसके अलावा उसकी फोटो क्लिक करके आपको जो ऐप है अपना उस पे होमवर्क पे डालना है आपको उसमें। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटे। सर क्या डालना है उसपे? बेटे इसको आपकी नोटबुक में फेयर करना है आज की डेट डाल करके, जिसे रोज कार्य करते हैं पढ़ते हैं उसको। उसके बाद में उसको आपको जो ऐप है ना अपना होमवर्क वाला उस पे इसको डालना है फोटो लेकर के होमवर्क में। कंप्लीट हो गया बेटे सबका? यस सर। हाँ तो देखो ये आपकी प्रार्थना पत्र है बीमारी के प्रमाण पत्र के बारे में, यानी हमें अगर विद्यालय में टीसी लेनी है तो किस प्रकार से हमें प्रार्थना पत्र लिखेंगे। प्रारंभ में वही आपका सेव आयाम श्री मंत्र प्रधानाचार्य महोदय मेहता पब्लिक या मेहता सीनियर सेकेंडरी विद्यालय हरमाड़ा जयपुरम
विषय स्थानांतर प्रमाण पत्रम विषय प्रार्थना पत्रम महोदय सविनय नम्र निवेदयामि यत् मम पितुः एकः राजकीय सेवकः अस्ति तस्य स्थानांतरणम् स्थानांतरण अजमेर नगरे संजातः अतः अहम् अपि तत्र पठनार्थं गमिष्यामि अतः कृपया मम विद्यालयस्य स्थानांतर प्रमाण पत्रम दातुम् अनुगृहामि धन्यवादम भवताम आज्ञाकारी शिष्य शिष्य नाम कक्षा रोल नंबर वगैरह ठीक है ना एक्सक्यूज मी सर हाँ बोलो बेटे सर मैंने तो किया ही नहीं बेटे यार गलती तो आपकी कब आज से करो शुरू करो इसको और पहले वाला आप देख लेना उस पे मिल जाएगा यूट्यूब पे अब देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो आपका है संधि का संधि किसे कहते हैं संधि के भेद क्या है और जो संधि के भेद है उनके भेद क्या है उनकी परिभाषाएं उनके उदाहरण समझना है हमें तो सबसे पहले हमें जानना है कि संधि किसे कहते हैं तो बेटे देखो मैंने पहले भी आपको मैंने क्या आपको जो सिक्स क्लास में आपको पढ़ाया होगा उसमें बताया होगा आपको दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं दो वर्णों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं संधि कहते हैं हालांकि थोड़ा परिवर्तन और हो सकता है इसमें दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह संधि कहलाती है तो आप शॉर्ट में लिख लो कोई दिक्कत नहीं है दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं दो वर्णों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं संधि कहते हैं दो वर्णों का मिलना उनमें परिवर्तन होना यह आपके संधि के अंतर्गत आता है जैसे विद्या धन आलय क्या बन जाएगा विद्यालय रमा प्लस ईश है क्या बन जाएगा रमेश है नई धन अकह नायक है जैसे इसी के अलावा और जैसे प्रय धन एजते प्रेजते जैसे आपके जगत प्लस ईश है इसको भी उतारना है क्या हाँ और क्या क्यों लिख रहा हूं यहाँ पे मैं जगत प्लस ईश है बुद्ध प्लस धी बुद्धि ये आपके उदाहरण है आपको ये ध्यान रखना है कि दो वर्णों के परस्पर अब देखो यहाँ पे वर्ण है दो इसमें आ है ये दोनों मिल गए आ बन गया इसमें आ है इसमें ई है इसमें आई है इसमें ए है इसमें ए है इसमें ए है ये हलंत आपके तय है ई है तो यहाँ पे कुछ परिवर्तन हो रहा है तो ये क्या कहलाती है संधि कहलाती है लिख लो इसको एक बार सर उतार लिए हाँ वो लिख लो बेटे एक मिनट ये हो गई आपके संधि यानी संधि किसे कहते हैं अब आगे देखो संधि के भेद देखते हैं सर मत निकालना सर नहीं चलो लिख लो लिख लो लिख लो सर रुक जाओ हाँ लिख लो लिख लो
उतार लिए सर। सर उतार लिए। वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो ये आपके संधि हो गई, अब हम संधि के भेद देखते हैं। अब संधि के भेद क्या है, तो आपको पता है संधि तीन प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। सबसे पहले स्वर संधि, जिसको हम असंधि भी कहते हैं। दूसरी है व्यंजन संधि, जिसे हम हल संधि भी कहते हैं। और तीसरी है आपकी विसर्ग संधि। तो संधि के भेद हो गए तीन। संधि कितने प्रकार की होगी? तीन प्रकार की होगी। पहली है स्वर संधि, जिसे हम असंधि कहते हैं। दूसरी है व्यंजन संधि, जिसे हम हल संधि भी कहते हैं। और तीसरी है आपके विसर्ग संधि। लिख लो इसे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। सर उतार लिए। तो देखो संधि के भेद तीन हो गए, स्वर संधि जिसे हम असंधि कहते हैं, व्यंजन संधि जिसे हम हल संधि भी कहते हैं, और विसर्ग संधि। चलो हम पहले स्वर संधि के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि नाम से विदित है आपके सामने, स्वर अच, महेश्वर सूत्र पढ़ा आपने। महेश्वर सूत्र में हमने देखा कि बड़े वीडियो बंद करो। महेश्वर सूत्र में हमने देखा कि अलग अलग वर्ण है ऐ उण ऋ ऋ के, तो हमें ऐसे लेकर के चेतक के जो वर्ण है, ऐसे लेकर के चेतक के जो वर्ण है ऐ उण ऋ ऋ ए ओम ऐ औच, तो ये आपके वर्ण स्वर कहलाते हैं। चार जो सूत्र स्वरों के हैं, तो इनके अंदर जो संधि है वो आपके स्वर संधि आएगी। तो इसमें क्या होगा, स्वर संधि में दो स्वरों के परस्पर मेल को, दो स्वरों के परस्पर मेल को स्वर संधि कहते हैं। यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, स्वर स्वर होंगे, न कि वर्ण होगा यहाँ पे, व्यंजन होगा यहाँ पे। स्वरों का विशेष महत्व आता, स्वरों में ही संधि होगी, स्वरों का ही मेल होगा, उसमें ही विकार उत्पन्न होगा। इसलिए क्या लिखेंगे हम, दो स्वरों के परस्पर मेल को स्वर संधि कहते हैं। लिखो आप इसको, दो स्वरों के परस्पर मेल को स्वर संधि कहते हैं। यानी आपको यह ध्यान रखना है कि यहां पे दो स्वरों का मेल होगा, यथा जैसे देव धन आलय, क्या बन जाएगा, देवालय। विद्या धन आलय, क्या बन जाएगा, विद्यालय। जैसे सूर्य प्लस इंद्र है, क्या बन जाएगा, सुरेंद्र। रमा प्लस ईश है, क्या बन जाएगा, रमेश है।
प्रय प्लस इसके अलावा जैसे तथा प्लस एव, तथेव, नई प्लस आवक है, नई धन अकह नायक है, पौधन अक है पावक है, प्र प्लस एजते, प्रेजते, इसी प्रकार कह को प्लस अपि, कोपि, यानी इस प्रकार आपके ये जो संधि है वो संधि आपके स्वर संधि कहलाएगी। आपको यहाँ पे देखने में मिलेगा कि दोनों पद आपके व्यंजन स्वर हैं, यहाँ पे पहले पद के अंत में और दूसरे पद के प्रारंभ में आपके स्वर हैं दोनों जगह, इसीलिए इसको स्वर संधि भी कहते हैं। लिख लो इसको एक बार, यानी इसके अंदर स्वरों का मेल होगा, इसमें स्वरों का मेल से विकार उत्पन्न होगा, परिवर्तन होगा, इसीलिए इसको स्वर संधि भी कहते हैं। स्वर संधि ही कहते हैं, असंधि भी इसको कहते हैं। सर लिख लिए, लिख लो लिख लो, और भी बच्चे लिख रहे हैं अभी, लिखो, देखो एक बार जिन्होंने लिख लिया वो इसको रिवीजन करो, याद करो एक बार। सर समझ में नहीं आया। क्यों, क्या दिक्कत हो रही है बेटा, ध्यान कहाँ है तुम्हारा, किसको समझ में नहीं आ रहा है? क्या नाम है बेटे, नाम बोलो एक बार, किसको समझ में नहीं आ रहा है, मैं समझाऊं दोबारा? सर मुझे, क्या नाम, नाम बोलो अपना, पलक यादव। हाँ पलक यादव। अच्छा पलक, हाँ बेटे देखो कहाँ समझ में नहीं आ रहा है आपको? सर पूरा ही समझ में आया। बेटे पढ़ोगे तब ध्यान दोगे, जब मैंने बताया आपको पहले संधि बताई आपको मैंने, संधि किसे कहते हैं, संधि कहते हैं दो वर्णों के परस्पर मेल को, यानी जब दो वर्ण परस्पर मिलते हैं तो उसे संधि कहते हैं, मिलाना, संधि का मतलब जोड़ना होता है, मिलाना। तो संधि के भेद मैंने तीन लिखा है आपको, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब सर्वप्रथम हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं कि स्वर संधि क्या होती है। तो स्वर का मतलब होता है अच, आपके होते हैं ना अच, ऐ, आ, ई, ई, उ, ठीक है ना, ये अच है, ये स्वर है। तो दो स्वरों के परस्पर मेल को स्वर संधि कहते हैं। जैसे अब देखो यहाँ पे देव है, यहाँ पे अ है, सामने आ गया, ये दोनों मिलकर के दीर्घ आ बन गया, तो यानी इनमें परिवर्तन होता है। इसको आप याद करोगे ना, इसको इसकी परिभाषा को समझोगे तब अपने आप समझ में आ जाएगा। विद्या प्लस आलय विद्यालय, सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र है, रमा प्लस ईशा रमेश है, तथा प्लस एव तथेव, नई धन अकह नायक, पौधन अकह पावक, यानी ये मिलने से रूप बन रहे हैं, ठीक है ना। और बाकी क्लास शुरू होगी तब और समझा देंगे बेटे, है ना आपको। आप लिखो इसको अभी, लिख लिया सबने? यस सर। हाँ तो बेटे ये आपकी स्वर संधि, अब दूसरी संधि आती है आपके व्यंजन संधि। यस सर, यस सर, यस सर। अब देखो सेकंड संधि आती है आपके व्यंजन संधि, अब व्यंजन संधि किसे कहेंगे? अब जैसे कि आपके सामने व्यंजन है, व्यंजन का मतलब तो हल, कैसे ले, हैसे लेकर के ले तक के वर्ण आपके महेश्वर सूत्रों में, तो कह खै ये वाले जो है ना, जैसे ये रह वाला वह है, पैफा पैफा मैं तथा धन है, ये सारे आपके व्यंजन है। तो व्यंजनों के अंदर जो मिलाव होता है, मेल होता है, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। इसकी परिभाषा आपको याद करनी है। तो व्यंजन संधि किसे कहेंगे? दो व्यंजनों
अथवा एक व्यंजन व एक स्वर। के परस्पर व्यंजन संधि कहते हैं। या तो दोनों व्यंजन हो या एक व्यंजन और एक स्वर हो, तो इस प्रकार का जो मेल होता है संधि का, वह आपके व्यंजन संधि कहलाती है। जैसे अभी कह रहे थे थोड़े दिन पहले, बातें कौन कर रहा है? जैसे आपके रामस धन सेते, बुद्ध प्लस डी क्या बन जाएगा? बुद्धि। सिद्ध प्लस डी सिद्धि। जैसे आपके सत प्लस चित सचित। इसी प्रकार जैसे जगत प्लस ईश है, जगदीश है। जैसे कृष्ण धन न, कृष्ण है। लिख लो इसको, फिर समझाऊं एक बार और आपको। जैसे आपके हरेम धन वंदे, जैसे सत्यम धन वद, सत्यम वद। यानी ये आपके उदाहरण हो गए, लिख लो इसको भी समझाएं एक बार। सर सर लिख लिए। हाँ लिखने दो एक बार और, लिखने दो, दो मिनट सबको लिखने दो एक बार, फिर सर लिख लिए। हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने लिख लिया वो पढ़ो एक बार, इसको याद करो डेफिनेशन को, इसको परिभाषा को याद करो, एक दो बार रिवीजन करो इसको। चलो बेटे देखो इसे ध्यान, दो सब बच्चे देखो परिभाषा क्या है। दो व्यंजनों, जिसे पहले स्वर आया था ना उसमें, उसमें या तो दोनों व्यंजन हो इसमें व्यंजन संधि में, या एक तो व्यंजन हो और एक स्वर हो, तो इस प्रकार से जो वर्णों का मेल होता है वह आपके व्यंजन संधि कहलाते। जैसे हमने पहले वहां पे देखा था, अब यहां देखो रामस में व्यंजन है स, और सामने भी स व्यंजन आ रहा है, यहाँ पे भी व्यंजन है, यहाँ पे भी व्यंजन है, यहाँ व्यंजन है, यहाँ व्यंजन है,
ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ व्यंजन है, यहाँ पे स्वर है, ठीक है। तो इस प्रकार ये ध्यान रखना है कि या तो दोनों व्यंजन होंगे या एक व्यंजन और एक स्वर होगा। इस प्रकार की जो संधि होती है वह आपके व्यंजन संधि कहलाती है, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद में बेटे आती है आपके स्वर संधि। सर विसर्ग संधि आएगी ना? हाँ बेटे, सर विसर्ग संधि आएगी क्या? विसर्ग संधि आएगी हाँ, इसमें विसर्ग संधि, ये सॉरी विसर्ग संधि। अब आ जाएगी आपके विसर्ग संधि। अब देखो, मैंने आपको बताया है कि विसर्ग संधि में क्या होता है, विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन होता है। अर्थात विसर्ग संधि में क्या होगा, विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन होगा, या तो कोई दूसरा वर्ण आ जाएगा विसर्ग के स्थान पर, या विसर्ग का लोप हो जाएगा। इस प्रकार की जो संधि होती है वह आपके विसर्ग संधि कहलाती है। अब इसकी डेफिनेशन लिख लो आप, प्रार्थना परिभाषा लिख लो इसकी। विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। अर्थात जो विसर्ग होगा उसके स्थान पर जो परिवर्तन होगा, या तो वर्ण बनेगा या लोप हो जाएगा या कोई अन्य वर्ण बन जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार के जो परिवर्तन होगा उसको हम विसर्ग संधि कहेंगे। जैसे मने धन विज्ञान है, क्या बन जाएगा, मनोविज्ञान। जैसे कह प्लस चित कश्चित, जैसे राम है प्लस सेते, रामस सेते। इसी प्रकार आपके जैसे और उदाहरण है आपके, जैसे वधु धन ऐसा, वधु प्लस ऐसा वद्वेषा। देखो इसको, वधु रेशा, मन है प्लस विज्ञान मनोविज्ञान, कह प्लस चित कश्चित, राम है प्लस सेते रामस सेते। इसी प्रकार हरि अवदत, हरि धन अवदत, हरि रवदत। जैसे आपके इसी प्रकार और उदाहरण हो जाएगा आपके, जैसे हरे द्रव्यम गुरु भाषणम पितु इच्छा पितुर इच्छा, पितुर इच्छा इत्यादि लिख लो इनको। लिख लिए सर। इसी प्रकार जैसे बाल है चलती, बाल है चलती, बालस चलती,
इसी प्रकार और उदाहरण होंगे, खूब उदाहरण है, लिखते जाओ उतने लिखने हैं उतने, आपकी इच्छा पे जो आए जो। जैसे हरित्रायते, हरित्रायते यानी आपको यह ध्यान रखना है यहां पे कि ये जो विसर्ग आ रहा है इसके स्थान पर देखो परिवर्तन, कहीं पे ओ हो जाता है, कहीं पे सह बन जाता है, कहीं पे क्या बनता है, तो ये जो परिवर्तन हो रहा है वह आपके विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। लिख लो इसको एक बार फिर और समझा दे एक बार। सर लिख लिए, सर लिख लिए, सबने लिख लिया? यस सर, यस सर, यस सर। हाँ तो ये ध्यान रखो आपके विसर्ग के स्थान पर जो परिवर्तन होता है वह आपके विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। यहाँ पे आपने उदाहरणों में देखा कि विसर्ग के स्थान पर अन्य वर्ण बन रहा है तो ये आपके विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा। आप बताओ क्या पूछना है, पूछो। अब देखो आगे देखो एक बार, अभी नहीं बेटे अब मिटन गया, तूने पहले कह, मैं कह रहा हूँ पहले मैं पूछो, कोई बोलते नहीं हो फिर बाद में, अब उसमें देखना यूट्यूब पे। अब देखो स्वर संधि के भेद, अब स्वर संधि कितने प्रकार की होती है वो लिख लो, फिर कल उसके आगे पढ़ेंगे हम। देखो फर्स्ट है, लिखते जाना साथ साथ, टाइम नहीं है, यण संधि, दूसरी है अयादि संधि, तीसरी है आपके वृद्धि संधि, चौथे नंबर पे गुण संधि, पांचवें नंबर पे आपके दीर्घ संधि, छठे नंबर पे आपके पररूप संधि, सातवें नंबर पे आपके पूर्व रूप संधि। सर चौथे नंबर की यण संधि है क्या? गुण संधि, पहले पे यण संधि, दूसरे पे अयादि संधि, तीसरे पे वृद्धि संधि, चौथे पे गुण संधि, फिर दीर्घ संधि, पर रूप और पूर्व रूप। लिख लो जल्दी करो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, चौथे नंबर पे कौन सी संधि है? अरे बेटे मैं बोल रहा हूँ ना, पहले यण संधि, फिर अयादि संधि, फिर वृद्धि संधि, फिर गुण संधि, फिर दीर्घ संधि, फिर पररूप संधि और फिर पूर्व रूप संधि, सात भेद है इसके। यस सर। लिख लो इनको, आपको आज की डेट डाल करके इनको फोटो क्लिक करनी है, फेर करके फिर बाद में आपको उस पे ऊपर भेजना, आपने जो विद्यालय का ऐप है ना उस पे होमवर्क पे। हाँ लिख लो इसको। सर लिख लिए। हाँ वेरी गुड। अब देखो इसको, कल इसके भेद पढ़ेंगे हम, यण संधि किसे कहते हैं, यादि संधि किसे कहते हैं। यस सर। हाँ हाँ वेरी गुड बेटे, वेरी गुड। देखो इसको, देखो एक बार और देख लो।